नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज एक अहम सुनवाई है। पीड़ित परिवार को भी हाई कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ के लिए निकल गया है। इनमें पीड़ित के पिता, माँ, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लेते हुए यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाई कोर्ट ने यूपी के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। कोर्ट व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर सकती है, वहीं पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो सकती है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए कोर्ट में मौजूद रहेगा आज पीड़ित परिवार। एक महत्वपूर्ण सुनवाई है और इसके लिए देखिए वो लोग हाथरस से लखनऊ निकल चुके हैं। इनमें पीड़ित के पिता, माँ, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस केस में खुद ही संज्ञान लिया और यूपी के आला अधिकारियों को तलब किया था। हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। कोर्ट व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर सकती है, वहीं पुलिस की ओर से स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है कि फिलहाल अभी तक जो जांच है वो किस दिशा में बढ़ी है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी पीड़ित परिवार जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा था, फिलहाल कोर्ट की तरफ इस वक्त बढ़ते हुए। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दीपक बिष्ट भी हमारे साथ मौजूद है। अमित का जल्दी से रुख कर लेते हैं। अमित, कहां पहुंचे ये लोग? जी बिल्कुल, हम लोग हरदोई पहुंचने वाले हैं। इस वक्त जो पीड़ित परिवार को लेकर जो काफिला निकल चुका है, निकला था सुबह पीड़िता के गांव से, वहां अब हम लोग हरदोई पहुंचने वाले हैं। काफिला हरदोई पहुंचने वाला है, कानपुर क्रॉस कर चुके हैं और अर्पिता ये है काफिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस की सुरक्षा के बीच जो है पीड़ित परिवार को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने ले जाया जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड टाइम है जो वो 11:10 के आसपास का वो समय रहेगा जब ये काफिला जो है लखनऊ में दाखिल होगा। जो हाई कोर्ट है वो पॉलिटेक्निक के पास है, तो लिहाजा अब क्या बाहरी बाहर जाती है या लखनऊ शहर के अंदर से जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर, पूरी सुरक्षा के बीच, पहले आप सबसे पहली गाड़ी देखिए वो एसडीएम की गाड़ी है अर्पिता। एसडीएम जो कि अभी ट्रांसफर होके हाथरस आई हुई थी, वो एसडीएम माथुर वो है उस गाड़ी में। उसके पीछे जो है आप यहाँ देख सकते हैं जो दूसरी गाड़ी है, उस गाड़ी में महिला सब महिला इंस्पेक्टर है और उसी में जो है पीड़ित परिवार की जो महिला सदस्य यानी भाभी और माँ वो उस गाड़ी में मौजूद है। और उसके पीछे जो व्हाइट कलर की गाड़ी, सफेद रंग की गाड़ी आप देख सकते हैं, इसमें जो है पीड़ित परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं, दोनों भाई और पिता, वो इस मौजूद है। यानी पीड़ित परिवार का कुल 5 सदस्य, पूरा परिवार जो है इस वक्त काफिले में है। और ये सभी सदस्य जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। 1 बजे के आसपास जो प्रेमाइसेस में ये एंटर कर जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, और 2:15 बजे सुनवाई शुरू होगी। और सुनवाई के दौरान आज एक्सपेक्टेड है कि यूपी पुलिस की तरफ से एफिडेविट, यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट दायर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जो है आला अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया था, तो आज एक्सपेक्टेड है कि एफिडेविट दायर किया जाएगा यानी हलफनामा दायर किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में आज बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि जहां एक तरफ हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो दूसरी तरफ जो है सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है हाथरस। बीते कल देर शाम उसने सीओ हाथरस सीओ से मुलाकात की, से उसके बाद जो सबसे अहम दस्तावेज होता है केस डायरी को कब्जे में लिया है। और यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये काफिला है, ये पूरा काफिला दिखा रहे हैं अर्पिता, एक्सक्लूसिव तस्वीर है न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे पहले देखिए जिप्सी, ये जो जिप्सी है ये लोकल पुलिस स्टेशन का जिप्सी है, यानी जिस इलाके के, जिस थाने के इलाके से ये होकर गुजर रहा है अभी ये काफिला, उस थाने का ये जिप्सी है। उसके बाद जो पहला गाड़ी है आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है एसडीएम, सफेद रंग की गाड़ी है ये, और इसमें एसडीएम बैठी हुई है। उसके बाद जो दूसरी गाड़ी है, इसमें जो है
महिला इंस्पेक्टर बैठी हुई है और उनके महिला इंस्पेक्टर के पीछे ड्राइवर के बगल में महिला इंस्पेक्टर है और उनके पीछे जो है वो पीड़ित की भाभी और पीड़ित की माँ है, यानी महिला सदस्य जो पीड़ित परिवार की दो सदस्य यहाँ है वो इसमें मौजूद है। और उसके पीछे जो सफेद रंग की गाड़ी यहाँ पर आप देख सकेंगे, आपके अभी अभी कैमरे पर नजर आएगा सफेद रंग की गाड़ी, इसमें पीड़ित परिवार का जो है पुरुष सदस्य यानी पीड़ित का पिता और पीड़ित के दो भाई इस गाड़ी में मौजूद हैं। और ये जो काफिला आप देख सकते हैं उसके पीछे भी एक गाड़ी है जिसमें पुलिस लिखा हुआ है, जो सर्कल ऑफिसर हैं सीओ हैं वो उस गाड़ी में मौजूद हैं। और इसके पीछे जो ये नीली रंग की गाड़ी आप देख सकते हैं इसमें एसएचओ खुद मौजूद है, इसके पीछे एक और जिप्सी है मौजूद। तो इस तरीके से छह गाड़ियां जो हैं ये इस काफिले में लगातार जो हैं वो जा रही हैं। आज काफी अहम दिन है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो दूसरी तरफ अर्पिता सीबीआई जो है वो हाथरस पहुंच चुकी है, केस डायरी को अपने कब्जे में ले लिया है। अर्पिता बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अमित फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे पीड़ित परिवार के साथ साथ जो पुलिस के आला अधिकारी भी उनके साथ जा रहे हैं, और 1 बजे बताया जा रहा है कोर्ट पहुंचेंगे और 2 बजे की तरफ वहां सुनवाई शुरू होगी। यानी अमित आज क्या क्या होने की संभावना है, जरा इस पर भी प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दिन स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यूपी पुलिस को आदेश दिया था कि सबसे पहले पीड़ित परिवार को कोर्ट के सामने पेश किया जाए और सुनवाई इस मामले पर है कि देर रात अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इसी मामले पर सुनवाई है और इसी मामले पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। इसलिए यूपी सरकार के आला अधिकारियों को, यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को कोर्ट ने बकायदे सम्मन भेजा था, पर्सनल अपीयरेंस की बात की गई थी और इसीलिए बात कही जा रही है कि जो एफिडेविट है यूपी सरकार की तरफ से यूपी पुलिस की तरफ से दायर किया जाएगा और उस एफिडेविट में बकायदे यूपी सरकार यूपी पुलिस ये कहेगी कि आखिरकार क्यों जो अंतिम संस्कार किया गया था वो देर रात क्यों किया गया था और उसके पीछे दलीलें देगी। जिस तरीके से हम इस पूरे मामले में देखते आए हैं कि एलआईयू की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था कि कुछ लोग दंगा भड़काने का फिराक में थे, एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट में कहा था और इस वजह से जो हाथरस पुलिस थी उसने अंतिम संस्कार देर रात किया था, तो जाहिर तौर पर इस बात को एक बार फिर आज हाईकोर्ट में रिपीट किया जाएगा। लेकिन इससे भी अहम बात तब होगी जब पीड़ित परिवार के 5 सदस्य यानी जो भाभी है, जो माँ है पीड़िता की, जो दोनों भाई हैं पीड़िता के, जो पिता है पीड़िता के, वो क्या कुछ कोर्ट में कहते हैं, आज बहुत कुछ इन पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से अपनी पूरी बात को कोर्ट के सामने रखते हैं, क्योंकि कोर्ट खास तौर से इनकी बात सुनना चाहता था, इनकी बात जानना चाहता था। इसी वजह से कोर्ट ने आदेश दिया था कि पीड़ित परिवार को पेश किया जाए कोर्ट में और इसी वजह से यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों को, यूपी सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो कड़ी सुरक्षा के बीच में वो पीड़ित परिवार को कोर्ट लेकर आए। और देखिए बड़ी खबर, इस बीच बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई आ रही है। हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम हाथरस में मौजूद है और आज से सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप, SC/ST एक्ट के तहत पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है और इस मामले की जांच कर रही यूपी की SIT को अब तक जो तथ्य मिले हैं वो भी CBI से साझा किए जाएंगे। दीपक बिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से। दीपक, CBI की टीम पहुंच चुकी है? बिल्कुल, हाथरस में CBI की टीम पहुंच चुकी है। देर रात उन्होंने चंदप्पा थाना, जिस थाना एरिया में ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, उसकी केस डायरी अपने पास ले ली है और साथ ही उन दस्तावेजों को भी अपने पास CBI ने रखा है जो SIT और लोकल पुलिस जांच कर रही थी। जितने भी गवाह अब तक SIT और लोकल पुलिस ने इकट्ठा किए थे, जिनके भी सबूत, जो भी बयान थे, वो सब उस दस्तावेज में मौजूद हैं। उन लोगों को एक बार फिर CBI उस जाँच में शामिल करेगी। हालाँकि पीड़ित परिवार आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार के घर न आकर पुलिस उन्हें उस जगह पर ले जा सकती है जहाँ पर घटनास्थल हुआ था, यानी उन खेतों के पास जो CBI है वो रिक्रिएट कर सकती है पूरे क्राइम सीन को। ये सारी चीज़ें होंगी, साथ ही CBI के अधिकारी देर रात से लगातार उन दस्तावेजों को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो फैक्ट्स हैं उन सभी के आधार पर टीमों को अलग अलग क्षेत्र सेक्टर में बांटा जाएगा, चाहे वो 3 से 4 आदमी एक सेक्टर की तरफ जाएंगे, यानी 10 से 12 लोगों की टीम, ये कहा जा रहा है कि ये आई है। और DSP रैंक की एक महिला अधिकारी है जो इस पूरे केस की जो है जाँच कर रही हैं। अब देखना होगा कि कुछ देर बाद ही गाँव में जो है CBI की टीम पहुंचेगी, लेकिन अभी तक जो ये बताया जा रहा है कि चंदप्पा थाना भी वो टीम नहीं पहुंची है। देर रात से लगातार
कहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी चाहती है कि कोई मीडिया से दूरी बनाकर रखा जाए और जांच इस वक्त सिर्फ पूरे सिलसिलेवार चल रही है। ठीक है दीपक, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस कांड में इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जांच एजेंसियों ने हाथरस कांड के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी साजिश रची गई। फंडिंग के जरिए भारत के बाहर से नफरत फैलाने वाले झूठ और योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए। जांच एजेंसियों की माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए, साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का सहारा लिया गया। अब तक की जांच में यह भी पता चला कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट डिलीट कर दिए गए। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, देखिए फंडिंग का जिक्र पहले हुआ, कुछ और कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहे हैं और अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जांच एजेंसियों की अगर माने तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से योगी सरकार के खिलाफ ट्वीट करवाए गए, साथ ही सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए दूसरे राज्यों और देश के बाहर से फेक अकाउंट का सहारा लिया गया। अब तक की जांच में यह भी पता चला कि हाथरस केस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होते ही ये सारे अकाउंट बंद हो गए और ट्वीट डिलीट कर दिए गए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस वक्त उस रास्ते में मौजूद है जिस रास्ते से होते हुए पीड़ित का परिवार कोर्ट की तरफ चल चुका है, लखनऊ अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। अमित क्या अपडेट? जी अब केवल 80 किलोमीटर का सफर और करना बाकी है। 80 किलोमीटर और सफर करने के बाद हम लखनऊ में दाखिल हो जाएंगे और जिस तरीके से अर्पिता अभी आप कह रही थी कि ट्वीट कराया गया पाकिस्तान और पश्चिमी देशों से, तो जाहिर तौर पे ये पहले जिस फेक वेबसाइट बनाया गया, फंडिंग हुई जिस तरीके से लगातार पीएफआई का नाम सामने आया, मॉरिशस से 50 करोड़ का फंडिंग हुआ, तो ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था और यूपी सरकार ने इसके लिए कह भी दिया था। और इसके अलावा अगर सीबीआई टीम की, तो सीबीआई टीम बीते कल हाथरस में पहुंची थी और हाथरस के जो इलाके के सीईओ हैं उनसे उन्होंने मुलाकात किया था और काफी लंबी उनकी मुलाकात हुई थी। और इस बीच जो डॉक्यूमेंट्स थे, और खासतौर से अगर हम बात करें केस डायरी की, तो केस डायरी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन कहां रुकी है सीबीआई की टीम इसके बारे में ना हाथरस पुलिस को जानकारी है ना मीडिया को जानकारी है, यानी सीबीआई से जो है वो मीडिया से और स्थानीय पुलिस से दूरी बनाकर रखी हुई है। फिलहाल उसने सभी डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, अब उन डॉक्यूमेंट्स के तथ्यों को एक बार वो प्रीव्यू करेगी, एक बार पूरी तरीके से उसको जानकारी हासिल करेगी और जाहिर तौर पे इसके बाद जो है, फिलहाल ये जो काफिला है आप देख सकते हैं यहाँ काफिले में बिल्कुल, यानी हमें जिस तरीके से देखिए जानकारी दे रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो पीड़ित परिवार है वो लखनऊ पहुंच जाएगा, आला अधिकारी उनके साथ है, पूरी सुरक्षा के साथ लखनऊ के लिए ये लोग निकल चुके हैं और अब से थोड़ी देर में लखनऊ पहुंच जाएंगे। और 2 बजे बताया जा रहा है इस केस की सुनवाई होगी, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी इस लिहाज से कि आखिरकार पीड़ित परिवार का पक्ष कोर्ट सुनना चाह रही थी और इसीलिए कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि परिवार को कोर्ट में लाया जाए पूरी सुरक्षा के साथ और उनसे कोर्ट जानना चाह रही है कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज कोर्ट में ये पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, इसलिए 2 बजे जो ये सुनवाई है इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको बता दें अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस रास्ते में ही मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट और हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बिहार से, बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई और यह खबर दहला देने वाली है क्योंकि महिला से दरिंदगी के बाद उसके 5 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी गई। आरोप है कि महिला की गैंगरेप के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने उसके बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर दोनों को बांधकर नदी में फेंक दिया। बाद में महिला की तलाश कर रहे उसके परिवार के लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि महिला गंभीर रूप से जख्मी है। महिला के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन हैरानी की बात ये कि शनिवार को हुई घटना को इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस या फिर डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि महिला का गैंगरेप हुआ है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि बाकी 4 की तलाश की जा रही है। पानी में बिगड़ रहा है, लड़का भी पानी में रहा है, लड़का पे पेट वो बांध दिए रहा है और अति के पेट पर बांध के और हाथ गोर सब बांध रहा है, मुँह में कपड़ा लगा हुआ रहा है और अतिया के चिल्लाई ना बैंक गई पैसा निकालने के लिए डालने के लिए
बीच में उनको आदमी पकड़ लिया, पूरे दिन रखा, रात पूरा रखा है, सुबह में 3 बजे लेकर आहरा में बिक दिया है उनको, तो बच्चा मर गुल बा आ बेहोश पड़ी थी। इस घटना के बाद बक्सर पुलिस पीड़िता को लेकर के बक्सर सदर अस्पताल में इलाज के लिए यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं बक्सर सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर जो परिजन है, जो लड़की के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर हैं और लड़की का इलाज यहाँ बक्सर सदर अस्पताल में जो तैनात डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित लड़की जो है, पीड़ित महिला हैं, उनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। सर जी बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्ची के साथ? पैसा जमा करे गई चौंगाई स्टेट बैंक में, कुछ गुंडा लोग करा के धर लिहल, पैसा छीने खाती, हत्या करे खाती, अभी धरा गई, हम छानबीन कोई नहीं ना एक पता चलल, छानबीन कोई नहीं ना पता चलल, तो हम अपन 7-8-9 बजे तक ले अपन एने वने दौगनी आ है पर हम के करे घरे जाए, बैंक तक आइल बनी तो बैंक ताला लॉक हो गई बा। महिला भी ठीक है, बयान दे रही हैं और उनके द्वारा भी बयान हमारे थाना प्रभारी के द्वारा कलमबद्ध किया गया है, महिला थाना प्रभारी के द्वारा, उस पर आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है, 1 से 2 दिन में मामला आ जाएगा, जब मेडिकल रिपोर्ट हमको मालूम हो जाएगा। हम चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, यानी देखिए एक को ही गिरफ्तार किया गया, बाकी जो 4 है उनकी तलाश अभी जारी है, कोई अपडेट और गिरफ्तारियां हुई है? बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है कि जो एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ के बाद जो अन्य लोगों का नाम सामने आया है उनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया, क्योंकि जो पीड़ित महिला है वो शनिवार को सुबह निकली थी अपने घर से बाजार तक जाकर बैंक में पैसा जमा करने के लिए और उसी दौरान अगवा करने की बात सामने आई है और शनिवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच में ये महिला नदी में मिली है, बच्चे की हत्या कर दी गई थी और ये महिला बेहोशी हालत में मिली थी। ऐसे में प्रशासन यह दावा कर रही है कि जो गैंगरेप की बातें परिवार के लोगों ने कहा है और साथ ही पीड़िता ने जो बयान दिया है उस आधार पर छापेमारी चल रही है, एक की जो गिरफ्तारी हुई है उससे पूछताछ की जा रही है और वहीं जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आज दोपहर बाद आने की संभावना है, उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से यह पूरा इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। तो प्रशासन यह दावा कर रही है लेकिन रिपोर्ट में क्या आता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि महिला के साथ घिनौनी हरकत और दरिंदगी का खेल खेला गया था और अब जो एक आरोपी है वो सलाखों के पीछे है। हमारे साथ नीरज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बक्सर में वो मौजूद है। नीरज, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है ग्राउंड पर, तो आप बखूबी बता पाएंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, बक्सर के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और पता चला कि अभी वो किसी ज़रूरी काम में व्यस्त है। इस तमाम मामले की जांच भी चल रही है, तो तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है पुलिस अधीक्षक की तरफ से ज़िले के। और जैसा कि चंद्रमोहन ने बताया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तो इस पूरे मामले में हो गई है और पिता ने जो FIR के लिए शिकायत दर्ज कराई थी उसमें तमाम लोगों के नाम दर्ज है और पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है, उनकी खोजबीन भी कर रही है। और आज दोपहर तक इस बात की उम्मीद है कि तमाम जो रिपोर्ट है, चाहे मेडिकल रिपोर्ट की बात करें या बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो आज आ जाएगी और पुलिस उसके बाद जो है कार्रवाई को अंजाम देगी। और लगातार अगले पिछले 10 दिनों के जो कॉल डिटेल्स हैं उनको भी छानबीन किया जाएगा, चाहे परिवार के लोगों ने किया हो या जिन लोगों से संपर्क में थी महिला या परिवार के बाकी लोग, ताकि कुछ अंदाजा लग सकेगा। क्योंकि जो आरोपी हैं वो जान पहचान के लोग हैं, तो पुलिस तमाम पहलुओं की जांच करना चाहती है और इसलिए तमाम कॉल डिटेल्स को भी खंगाला जाएगा और उसके बाद पुलिस किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेगी। नीरज, रहिए आप हमारे साथ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बक्सर गैंगरेप और हत्या मामले से जुड़ी हुई। बक्सर पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पीड़ित महिला और आरोपी के बीच कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। महिला का गैंगरेप उसी के मायके में हुआ था जिसका आरोप गांव में रहने वाले और पड़ोस के गांव में रहने वाले आरोपियों पर लगा था, जिन पर दरिंदगी के दौरान महिला के 5 साल के बच्चे की हत्या का भी आरोप है। और इस मामले में कुल 5 आरोपी हैं जिनमें एक को गिरफ्तार किया जा चुका है।
नीरज, यानी अभी अब देखिए किस तरीके से बोला जा रहा है कि जांच अब आगे बढ़ रही है और इस एंगल पर अब जांच होगी कि क्या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी। देखिए बिल्कुल आपसी रंजिश के भी जो पहलू है उसकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के जब मामले आते हैं तो उसमें आपसी विवाद भी एक मामला रहता है। इस तरह के मामलों में कई पुराने केसेस हुए हैं जिसमें आपसी विवाद ही अंतिम तौर पे किसी की हत्या या किसी के साथ दुष्कर्म का मामला बनता है। लेकिन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है, पुलिस रेप के मामले की भी जांच कर रही है और बच्चे की हत्या के मामले की भी जांच कर रही है और यही मानकर चल रही है पुलिस अभी की रेप का मामला है और बच्चे की हत्या का मामला है। तो इन तमाम पहलुओं पर जो तमाम पक्ष उनके सामने आ रहे हैं उन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद पुलिस जो है आने वाली। ठीक है नीरज, मैं आ रही हूँ। चंद्रमोहन, लेकिन परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो उन शख्स को किसी पर आरोप लगा के उनको बता रहे हैं कि उनसे पुरानी रंजिश थी या आखिरकार क्या उनको लग रहा है? बिल्कुल, परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि जब लड़की घर से निकली थी उस समय जिन लोगों ने उसका अपहरण किया और फिर इस तरह से घिनौने वारदात को अंजाम दिया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन ये इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो पहले से इस परिवार को जानते हो और जब लड़की घर से अकेले अपने छोटे बच्चे को लेकर बाजार तक जाने की कोशिश कर रही थी उसी दौरान उसको अगवा करके उसके बाद रेप को अंजाम दिया गया हो और साथ ही उसके बच्चे की हत्या कर दी गई हो, तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और परिवार वालों ने जो आरोप लगाए हैं और जिन लोगों का नाम सामने आया है उसमें एक आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में प्रशासन उससे पूछताछ कर रही है और बाकी जिन आरोपियों का नाम परिवार के लोगों ने लिया है उनसे भी उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और उनसे भी पूछताछ होगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन परिवार के लोगों का यह साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है सोची समझी। चंद्रमोहन, रही आप हमारे साथ। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। जो कोई बक्सर में हुआ है इससे घृणित और पार्श्विक कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके पुत्र की हत्या करके आहार में फेंक दिया गया, उसके एफआईआर पर स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों में एक की गिरफ्तारी कर ली है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनी हुई है। बहुत जल्द दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा। सुशासन है बिहार में, अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी, जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है, मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में राजधानी में तर AK-46 का इस्तेमाल होता है, AK-56 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। लिख लो नीतीश कुमार कुशासन, सा कुशासन बाबू, तुम्हारे सरकार में इस तरह इज्जत लूट रही है बेटी की, बेटा उस बच्ची का इसलिए मार दिया जाता है कि बेटी विरोध करती है बलात्कार का, शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। आज वहां जंगल राज, अपराधियों का बोलबाला है। बक्सर केस से जुड़ा हर अपडेट हर खबर देखिए news18india.com पर। News18India NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।